हेलो एवरीवन वेलकम टू अंसर गारी टूडे वी आर डिस्कसिंग द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ़ जनवरी थर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर स्टार्टिंग फर्स्ट आर्टिकल जेट बर्स्ट इनटू फ्लेम आफ्टर कोलिजन विद टोक्यो टोक्यो तो से रिलेटेड न्यूज सेवन पॉइंट नाइन रिचे स्केल पे मैग्नीट्यूड वाले अर्थ को एक आया वहाँ पर एंड uh, लेकिन मानसी एक क्वेश्चन इसमें कि टोक्यो तो में हमेशा क्यों आता है मतलब जापान में हमेशा ज्यादा अर्थ क्यों आता है

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ना उसके ऊपर ही जापान है एक तरह से पूरा जो प्लेट्स है दोनों हाँ आपने बता ही दिया इसका तो इसमें कितने लोग आ, मतलब लेकिन हो होगा फाइव पीपल अबोर्ड और जापान कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट डाइड ऑन द ट्यूसडे व्हेन इट हिट जापान एयरलाइन पैसेंजर तो पैसेंजर प्लेन सोचो ऐसा हो गया लेकिन तब भी किसी का जान नहीं है इसमें सब सुरक्षित रहे ऐसे तो हां इट वाज अ वर्स्ट डिजास्टर इन 1985 1985 का बात तो ऐसे अर्थक्वेक मिटिगेशन के लिए जापान कौन से कदम उठाया है अभी तक में हमारे अकॉर्डिंग अगर तुमको लगता होगा तो सबसे इंपोर्टेंट जो हमेशा बात भी करते हैं कि उनका कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हाउसेस वो ऐसा है कि अगर बहुत हाई मैग्नीट्यूड को भी आता है तो वो मतलब इजिली कोलेप्स कॉन्क्रीट हाउसेज नहीं बनाए जाते अकॉर्डिंग टू मी वहां पर सो so, एक वो हो सकता है एंड and... और क्या स्टेप्स में आई uh, थिंक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम या जो अर्ली वार्निंग तो, सुनामी के केस में वो लोग इशू कर दें तो वहां पे एक हेल्प हो जाती है लॉस एंड

भारतीय न्याय संहिता उसमें भी जो ब, बिल आया है उसमें कुछ प्रोविजन ऐड हुआ है हिट एंड रन केसेस में उसमें पेनलाइज ज्यादा किया गया है फॉर द ट्रकर्स इसके अगेंस्ट में देयर इज स्टेट वाइड प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट हुआ है तो क्या करना चाहिए इन जनरल मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द टेन इयर्स इन केस ऑफ रैश एंड ड्राइविंग ये ऐड किया गया इसमें टेन इयर्स तक प्रोविजन दिया हुआ है तो जब दिया गया है जब अगर ट्रक ड्राइवर जिसका एक्सीडेंट हुआ है अगर उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता अगर उसे लगता है कि वहां आसपास के पुलिस लोग उसे मार देंगे तो वो अगर वहां से भागता भी है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे कि यहाँ पर गाड़ी नंबर है और इस पर एक्सीडेंट हुआ है और आगे अगर जो भी कार्रवाई होगी मैं मा उसमें आपका साथ दूंगा तो उसके ऊपर इतने जो है नियम वो नहीं लागू होंगे उसके साथ साथ ये भी है ये कंडीशन है ये सही स्पॉट

मास्टर ट्रेनर विल ट्रेन द पुलिस पर्सनल हु वर्क मंथ तो मास्टर ट्रेनर हर के लिए क्या जाएगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट टू ट्रेनिंग तो किस ट्रेनिंग दिया जाएगा तो क्रिमिनल फॉरेंसिक डिजिटल फोरेंसिक उसी में होगा विल कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंटरऑपरब ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर पायलट प्रोजेक्ट अहमदाबाद में स्टार्ट होगा और तभी जाकर जो हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म जो प्लान है इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म आना चाहिए उसको और थोड़ा तो इफेक्टिव बनाया जाए तो इसी के थ्रू होगा कि आप ट्रेन करे आप स्किल करें पुलिस पर्सनल को चंडीगढ़ दिया जाएगा तो क्वेश्चन सी, सी देंगे the, आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हो चाहे इंटरव्यू में चाहे मीन में हमेशा बात करेंगे क्रिमिनल फोरेंसिक डिजिटल फॉरेंसिक और एकदम एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हमेशा right. सर पैर कुछ नहीं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली उसमें ऐसा नहीं कि आप है सामने वाले से या फिर का बात कर रहे हो ही नहीं नहीं 0 हो उसका चांसेस एथिक्स की स्टडी में भी और इवन इन दर्सनैलिटी इसको दे सकते प्रेरणा अगर तुम पढ़ोगे तो इसको ले लेना पूरे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च डेवलपमेंट ना एनसीसीबी फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये पूरा इंपॉर्टेंट है और चंडीगढ़ पहला बनेगा तो बोल सकते कि आने वाले समय में चंडीगढ़ मॉडल को इंप्लीमेंट करना चाहिए पुलिस वाले में मानसी जब भी क्वेश्चन स्टिक टू नेक्स्ट आर्टिकल स्टिक टू प्रोसीजर इन काउंटर टेरर ऑपरेशन तो उसमें कौन कौन अभी है तो नाम नाम जानना इंपॉर्टेंट है कि पन जी इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर हो गए मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अजय कुमार भल्ला उनका हमेशा आता है एमएचए के सेक्रेटरी हो गए अजीत डोवाल जी जो नेशनल एनएसए हो गए मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख जम्मू जम्मू कश्मीर होंगे और रॉ के चीफ भी थे नाम नहीं लिया उन

तो वही की क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंस जो है दे इंट्रूड एंड वो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं एंड फिर इलीगली भी चीजें करना उनके लिए इजी हो जाता है लाइक स्मगलिंग ऑफ ड्रग तो ये अब मिस किया जा रहा था फ्री मूवमेंट रिजिम तो इसको स्क्रैप किया जाएगा तो एंट्री वुड बी रिक्वायरिंग नाउ वीजा फ्री मूवमेंट रिजीम इंडिया म्यांमार शेयर बॉर्डर और पीपल आइदर साइड

एसिड अटैक विक्टिम सीक्स ग्रांड फ्रॉम पीएम फंड नोटिस टू सेंटर एसिड अटैक विल गेट वन लैक कंपनसेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पी एम एन आर एफ तो दिव्या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और दूसरा पीएम केयर था उसमें दोनों में फर्क क्या है नेशनल रिलीफ फंड डिजास्टर से रिगार्डिंग या आपके जो अदर्स एड प्रोवाइड करवाई जाती है उनके रिगार्डिंग होता है और आपने दूसरा बोला था पीएम केयर फंड हम्म वो था वो मेरे कोलीगली हो रहा था दूसरा रिलीफ फंड 1948 में एस्टैब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम ने इसे नेहरू ये पीएम केयर नरेंद्र मोदी जी और कोविड के समय हुआ था ये स्टार्टिंग का मकसद था कि आप कोविड के समय में जो भी इंटीग्रेशन होगा जो भी खर्चा होगा वो इसके थ्रू दे सकते हैं स्पीड फंड था एक तरह से उसमें पार्टी पार्टिशन ऑफ इंडिया के डील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन उसमें भी प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर ट्रस्ट के होते हैं इसमें लेकिन पीएम केयर में अदर जो मेंबर होंगे ना डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे ठीक है थीके? तो पी जो एनआरएफ है नेशनल रिलीफ है फंड तो फोकस ऑल कैलेमिटीज साइक्लोन सुनामीज को एक कैंसर ट्रीटमेंट किसी में भी हो सकता है तो इसमें इसमें आ गया एसिड अटैक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन कंट्री सेपरेट टॉयलेट फॉर वुमन ये दिखाता है कि देर इज अ जेंडर गैप इवन इन दल फील्ड में और वहां पर इंश्योर इक्वालिटी एंड राइट ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड देशन फैसिलिटी वहां जरूरी है कि बाकी सब प्रोविजन होना चाहिए इवन इन डिस्ट्रिक्ट तो इम्पोर्टेंट की वर्ड इन दिस वन इज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एक ये हो गया देन वॉशरूम फॉर ऑल ट्रांसजेंडर पीडब्ल्यू सब जगह इक्विटी होना चाहिए जेंडर इंक्लूसिव टॉयलेट होगे, इन एवरी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ये होना चाहिए और वहां पर भी अगर देखा जाए ना, सैनिटरी नैपकिन वेंटिंग मशीन बाकी सब चीज जो होता है वो विमेन टॉयलेट में होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं तो ये फोकस करना चाहिए

महाराष्ट्र और गुजरात से कम कर्नाटक के कंपैरिजन में तमिलनाडु अच्छे एक हब है इन्वेस्टमेंट के साथ एनईटी का इशू सुप्रीम कोर्ट तो है डिक्लाइन टू इंटरव्यू इन डीएमके कैम्प है एनईटी के का इश्यू क्या था दिव्या जो नीट एग्जामिनेशन होती है उसमें चेकिंग के रिगार्डिंग था कि जो स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह का बिहेव किया जाता तमिलनाडु में था एक, एक इश्यू ये भी था कि स्टेट बोल रहे कि हम इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को मतलब यूज नहीं करेंगे फॉर मतलब एंट्री या गेटिंग एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी सो ये इशू था हां स्टेट बेस्ड होना चाहिए वो बोलते थे कि देयर इज अ बायस टुवर्ड्स तमिलनाडु ऐसा एलज करते थे लेकिन तमिलनाडु को ही टॉपर आया था आगे अगले बार तो उसे पूरा पलट गया था सेंटीमेंट पीपल कि बायस ऐसा कुछ एग्जाम नहीं होता तो एनआईटी के थ्रू एग्जाम होना एडमिशन होना चाहिए हायर एजुकेशन में तो इसमें एक

कम्युनिटीज़ तो बीजेपी का लॉन्ग टर्म प्लान है तो इससे ओवरऑल ये बता सकते हैं हम लोग कि जो हर एक माइनॉरिटी है उनका अपना अधिकार है वो किसी के साथ भी जा सकते हैं उनका अपना एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है और फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है आप इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स में रोक नहीं सकते कि मैं ही माइनॉरिटी का बात उठाऊंगा बाकी लोग नहीं उठा सकते तो ये है मेरा एक ओवरऑल क्या मानसिक उनका अपना भी रोल है सोचेंगे. हाँ मतलब एक बड़ा विजन है तो उसमें ये यहाँ पे तो ये पॉलिटिकली था मोटिवेटेड था एक कमेंट ब्रेकअप ऑफ यार कास्ट सर्वे डेटा आउट टू नॉर्मली बी मेड पब्लिक सुप्रीम कोर्ट तो सेंसस डेटा होता है इट इज पब्लिकली अवेलेबल और नॉट मानसी सेंसस डेटा आई डोंट थिंक सो पब्लिकली अवेलेबल होता है आ, और वो अगर चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल हो, हो सकता है हाँ वहाँ हो सकता है नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है लेकिन जुडिशरी में नहीं हो सकता अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कि कुछ प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं लेकिन ऐसे आ, नहीं तो, दे सकते कोई भी जुडिशरी है सबको नहीं, हाँ, वो तो है राइट right. कि इट इज नॉट सेबल टू द जजेस आल्सो मतलब जुडिशरी आल्सो ऐसा था लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है सेंसिस में बायस है कुछ भी तो वो डेटा मंगवा सकते वो उनका अपना अधिकार वो तो नहीं कर सकते नहीं नहीं। तो, ना, की, ना, तो ये सर्वे डिफरेंट है कास्ट सर्वे और सर्वे डिफरेंट है। है, है। में में का बात होता है, सर्वे में सब चीज़ है, कितने बच्चे फैमिली प्लानिंग से लेकर के जॉब कितना है फिर सेक्स रेशियो कितना है सब चीज में होता है कास्ट सर्वे में उस कास्ट नाम में ही है इसका नेशन वाइड सर्वे तो हम nation तो लोग डिटेल में लिए थे की प्लस माइनस दोनों क्या है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज अंडर स्ट्रेन तो इंडिया एनपीटी साइन किया है कि नहीं किया है दिव्या नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रिटी नहीं हाँ क्यों नहीं किया रीजन क्या उसका आप बता दीजिए रीजन नहीं... नहीं बताती हूँ

इंटरेस्टिंग है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है तो कोल्ड वॉर के समय में न्यूक्लियर इशू को हमेशा बात उठाया जाता है मुद्दा उठाया जाता है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर वहीं से होता है। 1945 में जब यूएस ने यूज किया था पहला एटॉमिक बॉम्ब फैट लिटिल बॉय एंड फैट मैन ऑन नागा के नीरोशिमा उसके बाद 49 में थ्रू इंटेलिजेंसी सोवियत को पता लग गया था कि यूएसएफ यूज़ दिस टाइप ऑफ़ टेक्नोलॉजी तो 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 उन्होंने फिर कर में 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 उसके बाद से से दोनों के बीच न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्टार्ट स्टार्ट हुआ कोल्ड तो वॉर का शुरुआत एक तरह हो गया क्योंकि नाटो उसी समय तो सोचो कि टेस्ट होता है, यु, यु, Crisis, ये क्या है जो न्यूक्लियर अटैक था वो होने वाला था बट आई थिंक ठीक है दैट तो इसको याद कर लेना की जब वहां से होता है ऐसा तो स्पेस रेस भी स्टार्ट होता है धीरे धीरे तो जो भी साइंटिस्ट थे जब वर्ल्ड वॉर टू के समय में जर्मन साइंटिस्ट थे दे देर डेवलपिंग द आईसीबीएम आईसी IC मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर केपेबल नहीं था तो डेवलप कर ही रहे थे उस समय कोई भी लॉन्ग दूर तक किसी के पास मिसाइल नहीं था वर्ल्ड वॉर टू के समय में कोई भी आईसीबीएम यूज नहीं हुआ था ही नहीं टेक्नोलॉजी था ही समय, तक बन रहा था। तो ऑपरेशन पेपर क्लिक होता है नाजी साइंटिस्ट जर्मनी उनको यूएस और सोवियतमेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन या डिफेंस में सब जगह तो यूएस में गए कुछ कुछ लोग कुछ कुछ लोग सोवियत यूनियन गए तो एक राइवलरी हुआ दो तीन साल फोर्टी नाइन जब ये यूज हो गया तब फिर ICBM का स्टार्ट हुआ वहां से तो तो डेवलप हो चुका क्यूबन मिसाइल उसके बाद में दे लेंगे। फिर देखते नाइनटीन सिक्सटी टू में क्या हुआ कि जब इन जब यूएस भेजा था अपना एक एयरक्राफ्ट स्पाइंग करने के लिए इन दर्किस रीजन तो उसको शॉट डाउन कर दिया था तब फिर इन, उससे एयरक्राफ्ट से पता लग सकता है उस फोटो से पता लग गया था कि यूए जो सोवियत यूनियन है वो डेवलप कर रहा है आसपास रीजन में और सोवियत यूनियन ने भी भेजा भी था अपना एयरक्राफ्ट हर जगह तो 1962 में क्या हुआ था कि जो क्यूबा है फेडरल कास्ट्रो के अंदर में दे वे ट्राइंग टू बी क्लोजर टू द सोवियत यूनियन और जब इस तर्की में नाइनटीन के बाद से वहां पर भी बैठाना स्टार्ट कर देता है सोवियत यूनियन तो सोवियत को लगा कि मैं भी बैठाऊंगा क्यूबा में अमेरिका के बगल में तो अमेरिका को लगा कि अगर यहां पर वेपन आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा पूरा कंट्री जो है इट विल बी अंडर द न्यूक्लियर एक तरह से न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर के अंदर मा सकता है सोवियत यूनियन का तो तब फिर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को बोलते हैं क्यूबा जो सोवियत जो कम्युनिस्ट कंट्री है इट वॉज टू द सोवियत यूनियन अब कैसे डील करेंगे तो कैनेडी उस समय जे एफ के प्रेसिडेंट थे और निकिता कुरुशे, के बाद क्या है तो उन लोग का स्टार्ट किया गया हॉटलाइन मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी भी होता है क्या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हॉटलाइन उसके बाद फिर आम नेगोशिएशन हुआ और दूसरा चीज की ब्लॉकेट हुआ नेवी ब्लॉकेट फिर मान कि ठीक है मैं बॉम्ब नहीं रखूंगा वहां पर एक तरह से तो हट गया तो ये न्यूक्लियर क्यूबन न्यूक्लियर क्यूबन क्राइसिस न्यूक्लियर के अंदर पहुंचने वाला था एक लड़ाई हुआ था एनपीटी हो गया फिर एनपीटी आया उसके बाद इंडिया यूज किया पहली बार 1974 में पोखरण इंदिरा गांधी के समय में, में वॉर होता है 74 में इंडिया यूज करता है 75 में

आफ्टर बनाया 65, बना। उसके बाद रेड्यूस हुआ सोवियत ब्रेक डाउन लेकिन अभी भी नौ हजार दस हजार के आसपास है तो बहुत ज्यादा है एस कम्पेयर टू तो यही बात हो रही है की और भी कंट्रीज मल्टीपुलर वर्ल्ड पहले सोवियत यूनियन यूस यूएस का भी ज्यादा कंट्रीज आ रहा है तो चाइना भी आ रहा है उसमें इंडिया का भी है, रोल है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं यूएस का नेबल प्रेजेंस इन द साउथ सी बढ़ा है ताइवान स्टेट क्राइसिस हुआ था पहले भी हो सकता है फिर दूसरा के हाल फिलहाल में यूएस है एंटी बलास्टिक मिसाइल और 2019 में भी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रीटी इसमें भी विड्रॉ कर दिया तो स्टार्ट अग्रीमेंट भी विड्रॉ कर रहा है तो एक तरह देखा जाए तो, तो वापस से दुनिया जो है वापस से न्यूक्लियर के अंदर में घूम फिर के हम लोग वही वापस में पहुंच गए क्योंकि तो ऑकेस डील होता है उसमें भी न्यूक्लियर का बात होता है

ठीक है इंडिया उट प्लान मालदीव्स वही तो हाइड्रोग्राफी का बात होता है ओशनोग्राफी बात होता है इंडिया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का बात होता है मेल हैव ऑलरेडी स्किप्ड हाइड्रोग्राफी ओशनोग्राफी पॉलीमेटेलिक नोडूल्स हो गया जो मिलता है उसमें हेल्प हो सकता है रिकॉग्नेशन इंटेलिजेंस हेयरिंग लेकिन धीरे धीरे चाइना का जो सर्वे बड़ा है चाइना इंटरफेरेंस बड़ा है वहां मालदीव में तो उससे लॉन्ग टर्म में मालदीव का घाटा है क्योंकि एक तो दूसरा चाइना बात मानता नहीं यूएन क्लॉस और बाकी जो इकोनॉमिक एक एक्सक्लूसिव जोन का जो एक अग्रीमेंट है वो मानता नहीं तो, है तो लॉन्ग टर्म में घाटा है मालदीव का एज कम्पेयर टू इंडिया तो ये बोलना चाह रहे हैं

जैसे चाइना बात करता है वे रिसर्च वेसल भेजता है श्रीलंका में वैसे ही चाइना हैड प्लान ओशन ऑब्जर्वेटरी इन मुकुनुंडू अटोल नॉर्थ ऑफ मेल ज्यादा दूर नहीं है लक्ष्य से वैसे मिनीकोल और एक और एक आइलैंड है जो इंडिया और म्यांमार के बीच में साइन हुआ था कोकोस आइलैंड आई थिंक उसमें भी चाइना ने बोला कि वहां भी बैठाएंगे रेडार के तो लॉन्ग टर्म जो होगा वो डेट ट्रैप पॉलिसी मार सकता है मालदीव और घाटा ही होगा ऐसे लिखा मेल है, मेल जो कैपिटल है, है इट्स पॉलिटिकल लॉट विथ चाइना तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है गवर्नर केरला का इश्यू तो हम लोग गवर्नर से बात करते हैं गवर्नर का जो रोल है इट हैज बी इन अकॉर्डेंस विद द एंड ऑफ मिनिस्टर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन उसको मानना हो जरूरी है के अंदर बात काम करना है लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि सब गवर्नर ऐसे करते हैं देर गवर्नर ओवर द लास्ट टू टू थ्री इय चाहे वो वेस्ट बंगाल में, में रहे तमिलनाडु में रहे चाहे वो रला में कोर्ट हमेशा बात करते हैं कि राइट पर्सन शुड बी एज अ गवर्नर फॉर द द ऑफ पोस्ट पोस्टिटी तो मानसी यहाँ पर राइट पर्सन का इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है तो भी एक ओपन एंडेड माइंडेड एंड मोटिवेशन है जो भी इट इज भीबल टू द जुडिशियल रिव्यू एक्स्ट्रा वो एम्यूनिटी ले सकते हैं लेकिन तब भी वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही में रहेंगे और उनके पास स्टैट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है बहुत सारी चीजें से सरकारिया कमीशन रिपोर्ट हैव लेमेंटेड दैट सम गवर्नर हैव फेल्ड टू डिस्प्ले क्वालिटी ऑफ इंपार्शियलिटी एंड सेग्रिगेटी एक्सपेक्टेड ऑफ देम ए पॉलिटिकल एजेंट होना चाहिए ओवर द रोल एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स और फिर एजेंट ऑफ द यूनियन ऐसा उनको क्वेश्चन किया जाता है

ये कहते हैं कि डिस्चार्ज फेयरली इमार्सि गवर्नर शुड नॉटेट एंड पावर्स विच आर नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन अदर अदर पावर्स जो दिया हुआ है गवर्नर को तभी वो जाकर के एक इंपार्शियल वे में काम कर सकते हैं अब दूसरा बात होता है कि कैसे हम लोग गवर्नर चूज करें दूसरा बात एक क्वेश्चन उठता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए जो सरकारी रिपोर्ट ने बोला था कि इसमें गवर्नर कैन बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन रिजनेबली सिग्निफिकेंट रोल फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड हो जाएंगे अगर उसमें तो और लीगल प्रोहिबिशन भी ऐसा नहीं होगा क्या मीनिंग हुआ ऑल्सो देयर इज ए लीगल प्रोहिबिशन अगेंस्ट फर्दर इन एनी कैपेसिटी

बलोच मानसी बलूचिस्तान इट्स अ रीजन इन पाकिस्तान सो बलूच मार्च फ्रॉम तुरबत टू इस्लामाबाद तो बलूचिस्तान के बारे में कुछ बता दो आगे बढ़ते हैं तो ओवरऑल ये बात है कि जो बलूचिस्तान है तो खानों का लाद जिसको बोलते हैं जो उनके अंडर में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को इन्वेट किया गया था बाय द पाकिस्तान आर्मी और उन्हें इंटीग्रेट कर दिया था पाकिस्तान में ही वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान और उनका लॉन्ग टर्म टाइम्स था विद द इंडिया नेबर्स नेबर्स इज योर फ्रेंड योर नेबर कैन नॉट बी योर फ्रेंड ऐसा जो चाणक्य है अगर लॉन्ग टर्म राजा मंडला कॉन्सेप्ट है तो इसलिए बलूचिस्तान एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं इंडिया के साथ तो प्रॉब्लम क्या है कि जो सीपेक जाता है तो बलूची लोग जो बलूची रिसाइड करते हैं दो करोड़ पॉपुलेशन है बहुत मीगर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है बलूचिस्तान फोर्टी परसेंट ऑफ द लैंड है पाकिस्तान में तो वो बोलते हैं एलैज करते हैं कि चाइनीज लोकल मिनरल उठाते हैं रेयर अर्थ मेटल से लेकर के गैस फिर पेट्रोलियम एक्सेट्रा सब चीज लेकिन उनका शेयर नहीं मिलता है बलूची लोगों को नहीं मिलता शेयर वो आज भी गरीब है तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करते हैं तो इससे बलुचि लिबरेशन फोर्स भी है बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी है जो अटैक करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री फोर्से इंटेलिजेंस ऑपरेशन पैरामिलिट्री फोर्सेज पर तो देर इज अवियर ह्यूमन राइटेशन इन द बलुचि फिर बाकी जगह भी बात होता है बलुस्तान को लिबरेट करने के लिए आजादी मांगते हैं तो यही बात है तो बलुचि प्रॉब्लम एक्स्ट्रा जुडिशल की प्रोविंस है स्ट्राटेजिकली

तो स्लम पहले बोलता तो था, था वो जगह जहाँ पर लोग रेफ्यूजी से आते थे उसको स्लम बोला जाता था, था अब लेकिन स्लम का डेफिनेशन डिफरेंट है जहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है और वहाँ पर अर्बन डिस्पैरिटी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बाकी सब पॉवर्टी हो गया या फिर रिलीजियस वॉरियंस कास्ट कास्ट प्रॉब्लम जो भी सब मिलता है हेल्थ सैनिटेशन ढंग से नहीं है तो ये स्लम हो गया मतलब डेफिनेशन डेफिनेशन चेंज पहले का ये था कि स्लम को पूरा करना करना पड़ेगा देन आफ्टर नहीं कर सकते वहाँ पे ही डेवलपमेंट है एक बार 1990s में, uh, think, uh, फिर हमने बात करी एक्सप्लेन दैट अनदर ट्रांसफॉर्मेशन वॉज जो यूनिफॉर्म नेशनल कमीशनइजेशन जो